अरे वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा नाच गाना हो जाए। टीटू बजा। हाँ, तो जिस घड़ी का इंतजार था वो समय आ गया। टिकटॉक बैन हो गया है इंडिया में और ट्विटर पर बाढ़ आ गई है मीम की। एक के बाद एक लोग धड़ल्ले से यहाँ पर मीम शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। और केवल टिकटॉक नहीं निकला इस देश से, इसके अलावा 58 अदर एप्स भी निकाली गई हैं इस देश से। यानी कुल टोटल 59 एप्स को बैन किया गया है, चाइनीज एप्स को बैन किया गया है भारत में। आप साथ में ये देख भी सकते हैं कि कितनी सारी ऐप हैं जो बैन हुई हैं, जैसे टिकटॉक जो सबसे पहले नंबर पे है, फिर शेयर इट है, इसके अलावा और भी है, यूसी ब्राउजर हो गया। इतनी सारी घटिया घटिया ऐप हैं जिनकी जरूरत भी नहीं थी। इसके अलावा वीगो वीडियो होगी, हेलो लाइकी, और इसके अंदर एक जो बच्चे जो ज्यादातर यूज करते थे कैम स्कैनर भी है जिसको मैं भी यूज करता हूँ फिलहाल। चलो कोई ना, आने वाले टाइम में या फिर इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल भी है प्ले स्टोर पे, आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने ये नोटिस भी जारी किया है, उन्होंने बताया कि कुल टोटल 59 एप्स को यहाँ पर बैन किया गया। और अब ये जो बैन किया गया है इसके पीछे पर्पस ये बताया गया है कि इसमें जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी डिटेल यहाँ से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है वहां पर। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये अभी भी डाउनलोड रही है उस पे प्ले स्टोर पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब पे बैन किया है तो ये कैसे डाउनलोड हो सकती है। तो इनके लिए मैं एक पहले से एक बात बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन एप्स को भी बैन किया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है वो यहां पर जो प्लेटफॉर्म है जहां से ये जो जितनी भी ऐप हैं डाउनलोड होती हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, तो यहां पर जाके गूगल को ये बताएंगे कि भाई ये जो ऐप हैं वो बैन की गई हैं, तो वहां से वो बंद की जाएंगी। यानी मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये जितनी भी ऐप हैं आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। भारत सरकार ने इसे बहुत बड़ा खतरा बताया देश की सुरक्षा के लिए, यहां के लोगों की जो वो प्राइवेसी चोरी कर रहा है। इससे पहले भी एप्पल ने इसके ऊपर बता दिया था कि टिकटॉक कैसे एप्पल के यूजर्स की प्राइवेसी की जासूसी कर रहा है, उसको चोरी छुपे उनसे चुरा रहा है वो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस चीज को अब लीड कर रहा है, मतलब आने वाले टाइम में बहुत सारे देश जो हैं वो इन एप्स को बैन करने वाले हैं। बट एक चीज का दुख इस बात का भी है कि भारत सरकार को जैसे ही ये बैन की गई है इनको इमिडिएटली यहां से निकालनी चाहिए थी। मतलब ये नहीं कि वो पहले जाएंगे उनको बताएंगे, उन्हें इमिडिएटली इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए था। खैर कुछ टाइम बाद ये चीजें अपने आप हो जाएंगी, उनको डाउनलोड होना बंद हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को इमिडिएटली जरूरत थी कि भी अभी तुरंत की तुरंत इनको बैन किया जाए, इनको बंद किया जाए। ट्विटर पर टिकटॉक बैन को लेकर एक मीम जो है वो बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें थैनोस के फेस पर मोदी जी का फेस लगाकर वो चुटकी बजाते हुए दिखाए जा रहे हैं, जिसमें टिकटॉक जो है वो खत्म होता दिख रहा है। बट काफी सारे लोग इसको यूट्यूब से रिलेटेड करके भी देख रहे हैं कि यूट्यूब की वजह से टिकटॉक बैन हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। जबकि रीजन ये है कि ये जो देश की सुरक्षा को लेकर इस इन ऐप्स को बैन किया जा रहा है, इन ऐप्स को यहां से निकाला जा रहा है, और बाकी जो है इस देश के लोगों की प्राइवेसी की चोरी ना हो सके इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया गया है। और मुझे लगता है कि इन ऐप्स में 59 ऐप्स में और भी कुछ ऐप्स और होनी चाहिए थी जिनको इमिडिएटली जरूरत है बैन करने की। जैसे जूम ऐप हो गई, वो तो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी कि इस जूम ऐप पर कितनी ज्यादा प्राइवेसी जो है वो, मतलब उसको चुराया जा सकता है, कितनी आसानी से चुराया जा सकता है, और वो चुरा भी रहे हैं। और जैसे पबजी हो गया, मे बी आने वाले टाइम में भारत सरकार इनके ऊपर कुछ और कदम उठाए, बट मैं चाहता हूं कि इन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सख्ती से कार्रवाई करे और इन पर इमीडिएटली एक्शन ले। ये नहीं कि इनके पास जाने में टाइम लगाएं और फिर तब जाके इनका डाउनलोड वहां से बंद हो। इमीडिएटली इन चीजों पर रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि रशिया में टेलीग्राम को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें टेलीग्राम को उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया था और फिर उनके बीच में बात हुई थी, तब जाके वहां पर टेलीग्राम चल पाया था। तो उसी तरीके का एक्शन जो है वो भारत सरकार को जरूरी है कि वो ले और इन
जो 59 यानी 59 ऐप्स हैं इनको तुरंत की तुरंत बैन किया जाए, इनको खत्म किया जाए, यहां से डाउनलोड होने का मतलब कोई भी तरीका इनके लिए ना छोड़ा जाए। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।